गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आज आपको आपके फोर्थ चैप्टर का संस्कृत के जिसका नाम था विज्ञानस्य चमत्कारः, वो मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज मैं आपको इसका एक्सरसाइज करवा रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे और कॉपी और बुक में नोट करेंगे। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए, जिसमें क है एतत् अस्ति दूरभाषम्, उसके बाद ख है वायुयाने स्थित्वा जन खग इव आकाशे उत्पत्ति अल्पे एवं समय चे स्वम गंतव्यम विद्यति, उसके बाद ग एतत् अस्ति रॉकेट यंत्रम, घ चिकित्सा या क्षेत्रे अपि वयम विज्ञानस्य चमत्कारान् सर्वत्रः पश्यामः। फिर है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर टू, निम्नलिखित का संस्कृत में नाम लिखिए, निम्नलिखित का संस्कृत में नाम लिखिए, ये हिंदी में वर्ड दिए हुए हैं, इनका संस्कृत में नाम लिखना है। जैसे टेलीफोन, टेलीफोन का, टेलीफोन को संस्कृत में बोलते हैं दूरभाषम, रेफ्रिजरेटर को संस्कृत में बोलते हैं शीतकाम, टेलीविज़न को संस्कृत में बोलते हैं दूरदर्शनम, हवाई जहाज को संस्कृत में बोलते हैं वायुयानम, रॉकेट को संस्कृत में बोलते हैं रॉकेट यंत्रम। ठीक है, फिर आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, एतत् अस्ति वायुयानम, ये वाक्य क्या सही है? हाँ सही है, तो राइट। एतम विज्ञानस्य कालम, रॉन्ग। अस्य गति वायुयानात् अपि द्रुतता, राइट। एतत् स्थ दूरभाषम, रॉन्ग। संगीतम अपि आकारयन्ति, राइट। संगीत को हम सुनते हैं, राइट। एतत् स्थ दूरभाषम, नहीं, एतत् अस्ति दूरभाषम होगा, तो रॉन्ग। निम्नलिखित यंत्रों का संस्कृत में एक एक उपयोग लिखिए, ये यंत्र दिए हुए हैं दूरभाषम, दूरदर्शनम, शीतकाम, उसके बाद रॉकेट यंत्रम, तो इन सब का संस्कृत में उपयोग लिखना है एक एक। दूरभाषम का, दूरे देशेषु स्थित जना दूरभाषेण परस्परम वार्तालाप कुर्वन्ति, जो दूर स्थित लोग होते हैं उनसे परस्पर बात करने में ये काम आता है। ठीक है, उसके बाद दूरदर्शनम, तो दूरदर्शन से क्या करते हैं? गाने सुनते हैं और न्यूज़ वगैरह भी देखते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा संगीतम आकारयन्ति। ठीक है, फिर है शीतकाम, शीतकाम का शीतकाम जलम शीतलम करोति। रॉकेट यंत्रम, अस्मिन् उपवेश्य जनः चंद्रमा अन्यान् उपग्रहा अपि गन्तुं प्रवन्ति, इसके द्वारा लोग चंद्र पे चांद पे जाते हैं और अन्य उपग्रह पर जाते हैं। तो मैंने ये आप लोगों को बता दिया, आप लोगों को इसको बुक में नोट करना है और कॉपी में भी करना है, तो आप लोग ध्यान से करेंगे और वीडियो को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे, जो नहीं समझ आता है मुझसे कमेंट करके पूछेंगे। ओके, थैंक यू।